नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यौन रोग से लड़ने की ताकत देता है गुलर। जी हाँ, आपने सही सुना, गुलर। आज हम आपको जिस बारे में बताने जा रहे हैं उसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका जिक्र हमारे वेदों और शास्त्रों में भी हुआ है। गुलर का पेड़ आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाता है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि यही गुलर आपकी कई बीमारियों से लड़ने के लिए मददगार है। तो आगे से अगर आपको गुलर का पेड़ दिखे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिए और उसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। हो सकता है कि वो आपके काम आ जाए। गुलर का पेड़ भारत के सभी स्थानों पर पाए जाने में से एक है। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। गुलर के पेड़ पर फल तो होते हैं पर फूल नहीं होते। गुलर का फल सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में होते हैं। गुलर के फल को सुखाकर दवाई बनाई जाती है और यह दवाई कई रोगों के काम में ली जाती है। गुलर की कोमल पत्तियों का 10 से 15 मिलीलीटर रस निकालकर सेवन करने से पेचिश ठीक हो जाती है। कमजोरी, बल, वीर्य की कमी, गुलर की छाछ का पाउडर और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। इसे रोज 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। इससे कमजोरी दूर होती है और शरीर में बल और वीर की बढ़ोतरी होती है। वीर का पतलापन दूर करने में मददगार होता है गुलर। जी हाँ, गुलर की छाल का पाउडर एक भाग, इसमें बरगद की कोपले एक भाग और फिर मिश्री और शक्कर दो भाग मिलाकर नियमित 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में दो बार सेवन करने से वीर गाढ़ा होता है। ऐसा 2 महीने तक नियमित किया जाना चाहिए। शुक्राणु की कमी, लो स्पर्म काउंट। गुलर के दूध की 20 बूंदे छुहाड़े के साथ खाने में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। सफेद पानी, स्वेत प्रदर यानी लिकोरिया की परेशानी से लड़ने के लिए गुलर के सूखे फल बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। गुलर के सूखे फल साथ मिश्री को शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। प्रदर, प्रमेह, यूरिनरी डिसऑर्डर। गुलर के ताजे फल का रस साथ शहद और शक्कर के साथ सुबह और शाम लेने से प्रदर में भी लाभ होता है। तो जाना आपने कि गुलर कितना लाभदायक होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।